तो आज मैंने एक विलेजर का बहुत बड़ा स्टैचू जिसके अंदर होने वाला एक ट्रेडिंग हॉल, और ट्रेडिंग हॉल को बनाने के लिए लगने वाले विलेजर, तो उसके लिए बना रहा हूँ एक विलेजर ब्रीडर बनाने के लिए मैं लगने वाले विलेजर। तो विलेजर के लिए मैं आया हूँ 7-8 ब्लॉक तड़ी पार करके इस विलेज में विलेजर लेने, क्योंकि मेरे सारे वर्ल्ड के जितने विलेज मैंने लूट रखे या फिर मैं जिस जिस विलेज में गया हूँ सारे विलेजर डिस्पॉन हो चुके हैं, एंड उसी के साथ साथ मेरा जो आयरन फार्म है उसके सारे विलेजर डिस्पॉन हो चुके हैं। सत्यानाश हो रखा है मेरे वर्ल्ड का, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तुम्हें मैं अपनी दिल दास्ता बता रहा हूँ। उसी के साथ साथ आज की वीडियो बहुत ज्यादा तगड़ी होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। वीडियो पसंद आती लाइक करे, बिना मत जाना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। वीडियो का लाइक रखता हूँ 10 लाइक तो कंप्लीट करा देना। विलेजर बहुत का स्टैचू बहुत ज्यादा जायंट के साथ बहुत ज्यादा क्यूट भी बहुत ज्यादा मस्त भी होने वाला है। जो ट्रेडिंग हॉल है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है, विलेजर ब्रीडर भी तुम्हें देखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट वीडियो, लेट्स गो। चलो भाई यहाँ पर मेरा वो हो चुका है, क्रीपर आ गया, मैं इंट्रो हो गया। चलो बच गया। हो गया, छोटे विलेजर है, छोटा जॉम्बी है भाई। ओके विच भी है, ओके स्पाइडर भी है, मारते हैं भाई जल्दी से करते हैं 7 क्विड भाई साहब। इतने सारे लोग मर भी गया भाई, लोग बहुत हार्ड भाई। थर्ड पर्सन मोड में ही, मतलब मैंने अपना बटन हाइड करे करे मर गया। बहुत सही भाई, क्या इंट्रो है, क्या स्टार्टिंग है वीडियो की, लेट्स गो। रन ऑलराइट गाइस, मैं अपने वर्ल्ड में आ चुका हूं। यार इंट्रो थोड़ा बेकार हो गया, क्या करूं भाई। मैं वो जो तुमने वॉइस सुनी हुई, मैं रिकॉर्ड करते वक्त ऐसे आवाज ऐसी भाई है, विलेज में मतलब जो विलेज में जहाँ पे मैं मर गया था वहाँ पे दौड़ गया, सामान मिल गया जो कि बहुत अच्छी बात है भाई। ओके सर, मैं अपने घर लगभग पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैंने जो बहुत दिन पहले, मतलब जो मैं पहली या दूसरी या तीसरी वीडियो में जब भी मैंने बनाया था, तो तब मैंने ये चीज बनाया था। मैंने सोचा था जब आयरन फार्म बनाया था तब मैंने सोचा था कि मैं इसमें जो अपना विलेजर है उसको ब्रीड कराऊंगा, बट ये तब यूज नहीं हुआ। मैंने सोचा फिर नहीं, आयरन फार्म को वहीं रखते हैं तो आसान रहेगा, क्योंकि उस समय मेरे पास कोई भी ज्यादा रिसोर्स नहीं थे यहाँ तक लाने के लिए विलेजर को। तो मैंने इसको बनाया था, फटाफट से इसको तोड़ते हैं, इसको सारा सामान कलेक्ट करते हैं, हो सकता है हमें इस वीडियो में काम ही पड़ जाए, फटाफट से काम कंप्लीट करते हैं। ओके सो वो जगह मैं तोड़ के आ चुका हूँ, मेरा जो पूरा डायमंड आ रहा है वो पूरा टूट रखा है। एंड देखो एक नया मेहमान जो कि शायद मैंने अभी रास्ते में मैं कुछ कर रहा था तो ये मिल गया, तो मैंने इसको ब्रीड कर लिया, मतलब ब्रीड नहीं टेम कर लिया। अभी चलना है मुझे अपने एक्सपी फार्म पर, एंडरमैन एक्सपी फार्म पर, जहाँ पे मैं अपना पूरा डायमंड का आर्मर रिपेयर करूंगा, जो कि भाई उसकी धज्जी उड़ रखी है, एकदम खत्म है भाई, उसमें एक्सपी पूरा डैमेज है भाई, उसको फटाफट से रिपेयर करना है। फटाफट से अभी तैयारी बनाते हैं एंड चलते हैं अपने एंड में। ओके सो एंड में जाने से पहले मैंने ढेर सारी शवल बना लिए हैं, जिससे मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं शवल बना लूंगा, उसके बाद मैं करूंगा मेरे जो जहाँ पर मैंने स्टैचू बनाना है उसके लिए बहुत सारी जगह चाहिए, तो मैं थोड़ा बहुत सुपर फ्लैट कर दूंगा अपने वर्ल्ड को, मतलब फ्लैट कर दूंगा थोड़ी जगह जहाँ पर मैं अपना स्टैचू बनाऊंगा। तो उस सबसे पहले ये काम करते हैं, ढेर सारी शवल भी बना लिए, ये पूरी जगह मैं फ्लैट करने वाला हूँ, फटाफट से ये काम कंप्लीट करते हैं, देन चलते हैं अपना आयरन अंदर अपने आर्मर को पूरा रिपेयर करने। ओके तो जितनी भी जगह थी मैंने क्लियर कर दिया है, अब फटाफट से थोड़ा बहुत मेरे आसपास जो गड्ढे हैं उसको भी भरना चालू करते हैं, थोड़ा बहुत जो स्पेस को बनानी है। राइट से जो देख रहे हो वो बहुत ज़्यादा ऊंचा थोड़ा पहाड़ टाइप का था, पुरानी वीडियो में देख लेना कैसा था वो, एंड उसको मैंने फ्लैट कर लिया। अब अगल बगल के भी थोड़े बहुत गड्ढे भी भर देते हैं, जिससे थोड़ा वर्ल्ड अच्छा लगे, आसपास का एरिया सही लगेगा, इसको करते हैं एंड अब चलते हैं अपना आर्मर फाइनली रिपेयर करने। ओके सर, तैरते रहते अपने एंड में आ चुका हूँ, अब एंड पोर्टल में जंप करते हैं, जो कि नॉर्मली यार इंसान करता है, वहाँ पे चलते हैं एंड फिर एक्सपी फार्म पे कुछ बहुत एंडरमैन निपटाते हैं एंड देन फिर अपना आर्मर को रिपेयर करते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हुई हो तो। ओके तो मैं अपने एंडरमैन एक्सपी फार्म पर भी पहुँच चुका हूँ, थोड़ी बहुत एक्सपी ऑलरेडी पड़ी थी एंड मुझे लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा जोर से लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि भाई एंडरमैन आना शुरू नहीं हुए हैं अभी, मुझे लग रहा है एंडरमैन डिस्पॉन हो चुका है। मैंने एक रिसोर्स पैक है यार, मैंने उसको लगाया था एक वीडियो बनाने के लिए एंड वो ग्लोबल में चला गया था, और ग्लोबल में जाने की वजह से वो सारे वर्ल्ड में लग गया था एंड उसकी वजह से विलेजर डिस्पॉन हो गया है। मेरे ख्याल से सभी चीज़ें डिस्पॉन हो चुकी है, अब फटाफट से चलते हैं, वो काम फिर से करना पड़ेगा एंडरमैट वाला। एंड मैं नेम टैग ले आया हूँ यार, मैं वापस गया था, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने गया था, तीन चार घंटे लग चुके हैं फिर से नेम टैग ढूंढने के लिए। अगर तुम कहोगे यार तो मैं तुम्हें प्रूफ दे दूंगा भाई, तुम लोग मानो यार वीडियो वरना बहुत लंबी हो जाएगी। तो फटाफट से अभी एंडरमाइट को फिर से स्पॉन करते हैं एंड देन फिर अपना थोड़ा बहुत एक्सपी कलेक्ट करके अपने पूरे आर्मर को रिपेयर करते हैं।
ओके सो जो एंडरमाइट को स्पॉन करने वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है। फटाफट चलते हैं नीचे क्योंकि यहाँ पे एंडरमैन आने शुरू हो चुके हैं एंड वहां से अब मुझे मिलने वाले हैं ढेर सारी एक्सपी जिसमें फाइनली अपना डायमंड आर्मर 3-4 एपिसोड बाद पहनूंगा। भाई मैं कब लाया था डायमंड आर्मर यार, बहुत दिन हो गया पहने। फटाफट से कलेक्ट करते हैं एक्सपी एंड देन अपना डायमंड आर्मर पहनते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, मैंने अपना पूरा आर्मर भी रिपेयर कर लिया जो कि बहुत अच्छी बात है, 3-4 एपिसोड बाद फाइनली पहनने को मिल रहा है। थोड़ी देर लगी लेकिन जो भी हुआ सही हुआ, आराम से कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं घर एंड आगे का काम शुरू करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो फिलहाल मैं अपने घर भी आ चुका हूँ, अलाइट्रा पहन लिया है, फैंटम मेम्ब्रेन रखा हुआ था उससे रिपेयर कर लिया है। अब मैं निकलने वाला हूँ आइस वाली बायो में जहाँ से मुझे ढेर सारी पैक्ड आइस लेके आनी है और मैंने अपनी सिल्क टच वाली पिकैक्स भी ले ली है जिससे मैं सारे चीज़ों को माइन करने वाला हूँ। फटाफट से चलते हैं एंड वहाँ पर ढेर सारी पैक्ड आइस कलेक्ट करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। सो फाइनली मैं अपने आइस वाले बायोम में भी पहुंच चुका हूँ। मैं यहाँ पर छोटा सा इग्लू बना करके बैठ गया था क्योंकि जब मैं पहुंचा था तब रात हो रही थी, तो सुबह हो चुकी है। एक जगह मुझे रास्ते में एक बहुत मस्त जगह मिलती है जहाँ पे मुझे मोज़ेक करके मोज़ेक कोबलस्टोन और कोर्स डर्ट वाली एक जो बायोम टाइप की होती है जहाँ पर स्प्रूस के वुड भी होते हैं वाली जगह मिली थी, मैंने उसको रिकॉर्ड करना भूल गया। एंड यहाँ पर अभी मैं आ चुका हूँ, अब कलेक्ट करते हैं ढेर सारी पैक्ड आइस। वो बताना था क्योंकि मैंने एक कोर्स डर्ट वहाँ से उठाई थी एंड तुम लोग बाद में कभी कहो ना कि भाई मैं चीटिंग कर रहा हूँ, नहीं मैं रास्ते में आ रहा था तब मिली थी। अब फटाफट से कलेक्ट करते हैं ढेर सारी पैक्ड आइस, लेट्स गो। ओके दोस्तों, जितना काम था ये कलेक्ट करने का आइस वो भी कलेक्ट कर लिया, लगभग 15-20 स्टैक हो चुके हैं जो कि गुड इनफ है मेरे ख्याल से। कम पड़ेंगे तो फिर शहर से आने देखना, देखते हैं आना पड़ेगा तो आ जाएंगे। अभी जितना है उतने में खुश रहते हैं भाई क्योंकि मेरी पिकैक्स भी खत्म होने वाली है। फटाफट एलाइट्रा पहनते हैं, थोड़ा बहुत एलाइट्रा में भी जान है, जब तक जान है तब तक उसको भी चला लेते हैं एंड चलते हैं। एंड तुमको तो पता ही है कि मैं कितना बड़ा वाला नूबड़ा हूँ, तो मैं देख रहा था मस्त उड़ता हुआ जा रहा था, बीच में मुझे एक पर्सन का नोटिफिकेशन आने वाला था, मतलब मैसेज आने वाला था, तो मैं तब देख रहा था अपना नोटिफिकेशन बार, मैंने ये नहीं देखा कि मैंने अपना स्क्रीन भी नीचे कर दिया है एंड जा फटाक से लड़ा जमीन में एंड मैं मर गया। वाओ, वेरी डेंजरस। अब क्या करना है मुझे, दौड़ते हुए 4000 ब्लॉक दूर आना है एंड सिंपल है भाई, मुझे सामान कलेक्ट करना है यार, फिर से बहुत समय लगने वाला है। फटाफट से चलते हैं दोस्तों, बहुत समय लगने वाला है। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैंने एक बार वो रखा था ब्रेड, उसको कलेक्ट करते हैं ताकि थोड़ा बहुत और काम हो जाए, ब्रेड मतलब खाना मिल जाएगा। फटाफट से चलते हैं गाइस, लेट्स गो। ओके दोस्तों, मुझे अपना सामान भी मिल चुका है एंड उसको मैंने थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज वे में भी रख दिया है। ये जो शल्कर बॉक्स है इसको निकालते हैं तो मैं दिखाता हूँ, सारा सामान लगभग मिल चुका है। हाँ, शायद से अगर कुछ छूटा हो, शायद कुछ पक्का नहीं है, छूट जाता है कई बार, लेकिन अभी जितना भी सामान था मैंने कलेक्ट कर लिया है। अब चलते हैं घर वापस, घर वापसी करते हैं, फिर अपना स्टैचू बनाना है एंड मुझे विलेजर लेके आना है, उसके लिए माइन बनानी है, बहुत काम है, सिर्फ फटाक। तो रास्ते में चलते चलते मुझे एक विलेज मिल चुका है जहाँ पर है बहुत सारी कैरेट, तो यहाँ से फटाफट से कैरेट उठा लेते हैं क्योंकि जो ब्रीडर ब्रीडिंग हॉल बनाने वाला हूँ मैं, मतलब ब्रीडिंग वाला जो बनाने वाला हूँ, ब्रीड इन लोग ज़्यादा अच्छे से करते हैं। अगर इन लोग के पास कैरेट होती है तो ये लोग ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं, मतलब कैरेट दोगे तो ब्रीड करेंगे ज़्यादा अच्छी। तो फटाफट से यहाँ से जितने भी कैरेट मिलते हैं कैरेट कलेक्ट करते हैं एंड घर पर जा करके उसको उगाते हैं एंड देन उसको फॉर्च्यून 3 से उसको माइन करेंगे। एंड फॉर्च्यून 3 से माइन करने पर फॉर्च्यून मतलब जो पिकैक्स होती है उसकी थोड़ी सी भी एक्सपी भी नहीं आती, जो कि बहुत अच्छी बात है। फटाफट से कलेक्ट करते हैं एंड घर चलते हैं एंड घर पे इसको लगा भी देंगे एंड उसी तरह से माइंड भी करके अपना ब्रीडिंग हॉल भी बनाएंगे एंड सारा इतना काम है करते हैं। ऑलराइट गाइस, मैं घर की जगह सीधा यहाँ पर आ चुका हूँ आइस वाइस लेकर के। मैंने सोचा कि अभी घर जाऊँगा फिर वापस आऊँगा, उससे अच्छा है सीधा इस वाले विलेज में चलते हैं। ये जो पूरी माइंड दिख रही है तो मैंने बनाई थी अपनी रीसेंट वाली लाइव स्ट्रीम में जिसमें शायद से मैंने फेस रिवील भी किया था, मतलब फेस दिखाया था तुम लोगों को, शायद से नहीं फेस दिखाया था, ऐसे लाइव मैंने फेस रिवील कर रखा है इंस्टाग्राम पे, अगर तुम्हें नहीं पता तो जा करके देख लेना एंड उस वाले लाइव स्ट्रीम में भी देख सकते हो मस्त तरीके से, मतलब एकदम नॉर्मली बैठा हुआ था, फेस भी रिवील कर दिया था, हो चुका है ऑलरेडी बट मैंने कर ही दिया। एंड ये वाली लाइव स्ट्रीम में ही मैंने पूरी पूरी जो माइन है ये मैंने सीधा अपने घर तक कनेक्ट की थी, इतनी लंबी माइन। एंड उसके लिए अभी मैं अभी जो आइस लेके आया हूँ कि थोड़ी तेज़ जाएंगे ये लोग, ये जो विलेजर है थोड़ी तेज़ जाएंगे, अभी मैं चेक करने वाला हूँ कि यहाँ से हमारी जो बोट है वो जाएगी या फिर नहीं।
एज यूजल नुबड़ापंती करते हुए यहाँ पर मेरी जो बोट है वो हील तक नहीं रही है, बिल्कुल हील नहीं रही है। तो अब मुझे क्या करने का पड़ेगा, ये जो माइन है इसको डबल लेन करना पड़ेगा, मतलब दो ब्लॉक तोड़ने पड़ेंगे, एक ब्लॉक और तोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ काम है लेकिन करना तो पड़ता है दोस्त। फटाफट से ये काम कंप्लीट करते हैं एंड देन इन साड़ो विलेजर को ले जाते हैं। यार ये लोग पका रखे हैं भाई, खुद आ जाते हैं यार, ऐसा कुछ माइनक्राफ्ट है ऐसा कोई सिस्टम है जिससे विलेजर खुद आ जाए भाई, बहुत मेहनत लगती है इन लोगों को ले जाने में, तो मेहनत करते हैं भाई। चलो ओके, सो उस वाली विलेज में जो मुझे टू लेन रोड बनानी थी वो मैंने बना ली है। अभी मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, घर के पास थोड़ा बहुत मैं सैंड कलेक्ट कर रहा हूँ, जो सामने पानी वानी है उसी के आसपास सैंड है, वहाँ से सैंड उठा रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे ढेर सारे मैं ग्लास बनाने हैं जिसको मैं स्मेल्ट करके ढेर सारी ग्लास बना लूंगा। वाह, मैंने क्या बताया तुम लोग को, बहुत सही। ओके सो जो मैं जितनी कैरेट लाया था उसको मैंने प्लांट कर दिया, ढेर सारी बोन में भी लेके आ चुका हूँ, जो मेरे पास बहुत सारा बोन पड़ा हुआ था एंड कुछ बहुत तो मेरे गंदे से जो मैंने ऑल मॉब फार्म बनाया था वहाँ से भी उठा लिया एक एक स्टैक। अब इसको फटाफट से बोन मिल करते हैं, ढेर सारे कैरेट इकट्ठा करते हैं, फॉर्चून 3 वाली पिकैक्स भी यूज़ करने वाला हूँ, फटाफट से ये काम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इससे मुझे बहुत ढेर सारा कैरेट मिल जाएगा जो मुझे मदद करेगा विलेजर को ब्रीड कर। तो मैंने अबाउट एक स्टैक से ज़्यादा मैंने एक स्टैक लगा दिया है, एक स्टैक कैरेट एंड एक ही लाइन में फॉर्च्यून 3 से मेरे पास एक स्टैक से भी ज़्यादा कैरेट आ चुका है, मतलब तुम लोग समझ जाओ कितना मिलने वाला है। चलो तुम्हें दिखा देता हूँ कितना मिला, ये देखो कितना कैरेट मिला, ये देख लो तुम लोग, एक स्टैक सिर्फ एक स्टैक में वहाँ से लेके आया था उस वाले विलेज से एंड इतना सारा हो चुका है। अभी मैं फिर से इन लोग को प्लांट करके फिर से बोन मिल करके फिर से थोड़ा बहुत और कलेक्ट करने वाला हूँ, इनफ हो चुका है, बट इनको अब लास्ट टाइम प्लांट कर देते हैं, बोन मिल नहीं करेंगे। अब फिर अगला काम शुरू करते हैं जो कि बनाना है मुझे एक ब्रीडर, विलेजर ब्रीडर। ओके सो मैंने जो विलेजर लाने वाला हूँ उसके लिए छोटा सा एक जगह बना लिया, दो ही विलेजर लाऊंगा जिससे ब्रीड कराऊंगा, तो यहाँ पर इस जगह पे मैं उन लोग को स्टोर करने वाला हूँ, मतलब रखने वाला हूँ। अब यहाँ से सेल्कर बॉक्स उठाते हैं एंड अब चलते हैं सीधा विलेजर लाने, जो कि उस विलेज से इस जगह पे लाऊंगा 850 ब्लॉक, वो लोग ब्लॉक कवर करने वाले हैं, तो फटाफट से चलते। ओके सो गाइस, विलेजर आ चुके हैं, मैंने जहाँ पर मैंने तुम्हें दिखाया था वहीं पर मैंने उन्हें स्टोर भी कर दिया है। अब चलते हैं विलेजर ब्रीडर बनाने, जो कि बहुत इजी भी है एंड बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। फटाफट से उसको फास्ट फॉरवर्ड में एक छोटा सा पॉकेट एडिशन टाइप टाइमलेस बनाते हैं एंड उसको बना करके कम्प्लीट कर लेते हैं। ब्रीडिंग हॉल भी मतलब ब्रीडिंग हॉल भी कंप्लीट हो चुका है, बट ब्रीडिंग हॉल को बनाने का कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने जहाँ पर भी सारे विलेजर को स्टोर कराया था, जैसे कि मैंने शुरुआत में दिखाया था, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत ब्रेड डाल दिए थे एक स्टैक, जिससे मेरे पास लगभग 5-3-4 विलेजर यूं ही पैदा हो गए भाई, वो लोग बहुत तेज थे, इसीलिए मैंने अपना जो गाजर था मतलब कैरेट का यूज़ किया था, जो कि बहुत सही चीज़ था। मैंने एक स्टैक डाला था टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा था, आई एम रिच। तो यहाँ पर अब मैं कलेक्ट करने वाला हूँ अपना जो विलेजर बनाना है उसके लिए थोड़ा बहुत सामान, जैसे कि टेराकोटा हो गए अलग अलग टाइप के एंड कॉन्क्रीट के लिए मुझे जाना पड़ेगा अभी सैंड लाने एंड ग्रेवल लाने अपने आयरन फार्म पर ऑब्वियसली मुझे वो नहीं मिलेगा, बट वहाँ पर जो थोड़ी सी लेक टाइप की है वहाँ पर ढेर सारी सैंड और ग्रेवल उसमें उसके अंदर मिल जाएगी, तो वहाँ जाएंगे एंड अपना जितना भी कंक्रीट एंड जितना भी टेराकोटा है उसको कलेक्ट करके फिर मैं तुम्हें सीधा मिलता हूँ, इतना सारा काम कंप्लीट करता हूँ, सिर्फ तुम्हें 2 मिनट में पता चल जाएगा, वो मुझे 4 घंटे लगा है। चलो लेट्स गो।
तो जैसा कि मैंने कहा था कि तुम लोग दो मिनट में देख लोगे, तो दो मिनट हो चुके हैं एंड मैं वापस आ चुका हूँ अपने बकायती सुनाने हुए। तो यहाँ पर मैंने ढेर सारे अपने जो कॉन्क्रीट बनाने के लिए सामान था, मतलब सैंड और ग्रेवल, वो कलेक्ट कर लिया। उसी के साथ साथ ढेर सारे मुझे फ्लिंट भी मिल चुके हैं जो फ्यूचर में काम आ जाएंगे, अगर एरोज एरोज बनाने हुए या फिर किसी भी काम आ जाएंगे। अभी चलते हैं घर एंड अभी बनाते हैं ढेर सारे कॉन्क्रीट, फिर कॉन्क्रीट को कॉन्क्रीट पाउडर बनेगा अभी, फिर उसको भी तोड़ करके अभी मतलब पानी में लगा डाल करके फिर उसको पिकैक्स करेंगे, पिकैक्स से ही तोड़ेंगे, देन हमें मिलेगा कॉन्क्रीट, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो उसके लिए कम से कम तुम्हें 3 मिनट तो मुझे देना ही पड़ेगा, फटाफट से मैं 3 मिनट में करता हूँ। एंड ये घंटा, ये मुझे 2 घंटा लगा था, तो मैं 3 मिनट में दिखाऊंगा या फिर उससे भी कम, चलो फटाफट से। ओके दोस्तों, 3 मिनट तो नहीं हुए हैं लेकिन मुझे आना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना था कि यहाँ पर मुझे चाहिए थे ढेर सारे वुल। उसके लिए मैंने एक शीप का थोड़ा बहुत एकदम झमेला बना लिया है एंड उसे शेयर कर करके मुझे 90 वुल चाहिए होते हैं, 90 to 120 वुल चाहिए होते हैं। तो उसके लिए मैंने ये सब बना लिया है। एक लोग को माइन करने से, मतलब का शेयर यूज़ करने से 2-3 तो वुल मिल जाते हैं, जो कि ईजी है, इतने में हो जाएगा। 4 लाख कर रहा था इतने से, सो सकते हो और ज़्यादा कर दिए तो क्या होगा। फटाफट से अब कॉन्क्रीट बनाते हैं, चलो। ओके 3 मिनट की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 1-2 मिनट में दिखा दूंगा। इतना सा बचा है, इसको भी माइन करते हैं क्योंकि मैंने बाकी सारा अपना जो इधर पॉन्ड बनी हुई थी, छोटी सी पॉन्ड थी, उसको मैंने सुखा दिया है लगभग। एंड उसमें मैंने जितना भी था अपना ये जो पाउडर था कॉन्क्रीट पाउडर, उसको डाल करके कॉन्क्रीट में कन्वर्ट कर लिया है। इतना और माइन करते हैं एंड देन अब बारी है, मैं तुम्हें ये नहीं दिखाऊंगा कि ये माइन कर रहा हूँ कि ये नहीं, अब मैं सीधा तुम्हें दिखाने वाला हूँ विलेजर बनाते हुए। लेट्स गो, फाइनली मुझे विलेजर बनते हुए देखना है भाई, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने वर्ल्ड में इस विलेज को, विलेजर को देखने के लिए, क्योंकि स्टैचू बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने वाला है मेरे विलेज में। लेट्स गो, सारी चीज़ें तुम्हें अभी थोड़ी देर बाद एकदम बढ़िया से दिखने वाली है, सिनेमेटिक लुक में दिखाऊंगा तुम्हें सभी चीज़ें, विलेजर ब्रीडर एंड जितनी भी चीज़ें बनाऊंगा सब कुछ। सो फटाफट से पहले चलते हैं, लेट्स गो। तैयार हो चुका है, लेट्स गो। इसकी मुंडी नहीं है बस, बाकी सब कुछ है। मजाक कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें मतलब अब चलते हैं, विलेजर का मुंडी और कंप्लीट विलेजर तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, मतलब लास्ट में दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत तुम्हें खींचने की कोशिश करता हूँ, लास्ट में दिखाऊंगा। अब तुम्हें सीधा दिखाने वाला हूँ मैं कि मैं एक बना रहा हूँ ट्रेडिंग हॉल, तो उसको बनाने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत लगने वाली है, उसको मैं पूरा नहीं करने वाला हूँ, लेकिन लास्ट में तुम्हें इस पूरे विलेजर का सिनेमेटिक लुक दिखाऊंगा एंड विलेजर ट्रेडिंग हॉल का भी दिखाऊंगा। उसी के साथ साथ अपना जो ब्रीडिंग हॉल है, ब्रीडिंग वाला विलेजर ब्रीडर है, उसका भी दिखाऊंगा। फटाफट से अब चलते हैं, विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाते हैं। ओके, जो मेरा जो ट्रेडिंग हॉल होने वाला है वो ये जो विलेजर बनाया है उसी के अंदर बनाऊंगा मैं, उसी के पिछवाड़े के मतलब पैर पे 2 ब्लॉक यहाँ पर डिग करते हैं एंड इसको एकदम बड़ा सा हॉल बना दूंगा एंड इसी में ला करके ढेर सारे जितने भी विलेजर हैं उसको रखूंगा। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं, 3-2-1 लेट्स गो। तो गाइस कुछ इस तरीके का मैंने ट्रेडिंग हॉल बनाया है, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर काम बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करते हैं
एंड इस तरीके का थोड़ा बहुत है, अभी ज़्यादा 10 विलेजर यहाँ पे ला सकता हूँ। अभी चलते हैं विलेजर लाने, यहाँ पर मैंने थोड़े थोड़े करके मैंने यहाँ पर अभी प्लैंक्स यूज़ किए हैं। लाइव स्ट्रीम करूँगा एक जिसमें मैं ये पूरा बनाने वाला हूँ। एंड तुम्हें थोड़ा बहुत पहले स्पॉइल कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो विलेजर लाता हूँ, मैं मतलब वॉइस ओवर कर रहा हूँ अभी फिलहाल मैं रिकॉर्ड करने के बाद, कि जब मैं यहाँ पर विलेजर लाता हूँ तो मेरे साथ एक ग्लिच हो जाता है। मैंने यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देख के ये वाला ट्रेडिंग हॉल बनाया, तो वो जो ट्रेडिंग हॉल था वो वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन में, बट मैंने ध्यान नहीं दिया एंड उसको बना लिया, तो ये हो जाता है मेरा खराब। मैं सारे विलेजर को लाता हूँ, मैं तुम्हें सीधा उस क्लिप ले जाता हूँ, तब बात करता हूँ। ओके सो इस तरीके से मैं इन लोग को ले आता हूँ किसी तरह करते करते, ये लोग बहुत तंग करते हैं बट मैं ले आता हूँ। एंड इस तरीके से मैं इन लोग को लाता हूँ, बट ये वाला जो फार्म था मतलब ट्रेडिंग हॉल था ये वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं एक स्पेसिफिक लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ जो कि बहुत जल्द होने वाली है। अब 2-4 दिन में इस वीडियो के आने के 2-4 दिन बाद ही होगी ये लाइव स्ट्रीम, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा तुम लोग देख लेना। एंड उसी में हम लोग इस ट्रेडिंग हॉल को डेकोरेट भी करेंगे एंड कम्प्लीटली बनाएंगे। सो अब बारी है तुम्हें अपने पूरे विलेजर का सिनेमैटिक लुक दिखाने की, सो लेट्स गो। गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यही वीडियो थी आज की, सिनेमैटिक शॉट कैसे लगे, सब कुछ कैसा लगा। थोड़ी बहुत वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है बट 30 घंटे की रिकॉर्डिंग थी यार, उसके सामने ये 22 मिनट की वीडियो तो कुछ भी नहीं है। बहुत हैवी प्रोजेक्ट था यार, मेहनत बहुत लगी है, तो लाइक करना मत भूलना। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और प्रेस जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज्यादा क्रेजी हो सकती है यार, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। लाइव स्ट्रीम बहुत जल्द होने वाली है जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। सो यही थी आज की वीडियो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है यार। 10 लाइक एम रखा है, कंप्लीट कर देना। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल, बाय।